कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में सीएम का फंसा पेच। कांग्रेस आला कमान ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। सर्वसम्मति बनाने में जुटे अजय माकन और हरीश राव। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाने का फार्मूला तय किया। बनाए जा सकते हैं एक सीएम और दो डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सीएम की कमान संभालने के लिए अंबिका सोनी को दिया गया था प्रस्ताव, लेकिन सोनी ने सेहत का हवाला देकर इसे खारिज किया। सिख सीएम का दिया सुझाव। सुनील जाखड़ भी सीएम की रेस में, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुनील जाखड़ के नाम पर सिद्धू खेमे को एतराज। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी सीएम की रेस में आगे। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में है शामिल। पंजाब में दलित समुदाय से हो सकता है एक डिप्टी सीएम। चरणजीत सिंह चन्नी और राजकुमार विरका का नाम आगे। पंजाब में सिख समुदाय से भी हो सकता है एक डिप्टी सीएम। सिद्धू के करीबी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे। इस्तीफे के बाद कैप्टन का झलका दर्द। कहा, अपमानित महसूस किया, मुझ पर शक किया गया। जहां तक मैंने अपनी बात की, आपने ड्यूटी निभाई है। मैं हर कोई चीज पीछे नहीं रहने दी। ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस्तीफे के बाद सिद्धू पर भड़के कैप्टन। कहा, उनके बस की बात नहीं है कि वो पंजाब संभाल सके। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान के पीएम और सेना से हैं सिद्धू के रिश्ते। सिद्धू को बताया देश के लिए खतरा। इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। अगला विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले कैप्टन, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक पंजाब सुरक्षित नहीं होगा। बोले सिद्धू को कांग्रेस ने बनाया चेहरा, तो करूंगा विरोध। कैप्टन के इस्तीफे पर बोले सुखबीर बादल, केवल पहरेदार बदलने से पंजाब में कांग्रेस के डूबते जहाज को नहीं बचाया जा सकेगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया इस्तीफा। मीडिया एडवाइजर रवीन ठकराल ने भी छोड़ा पद। योगी सरकार ने 4.5 साल पूरा करने पर जारी की विकास कार्यों की पुस्तिका। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पीएम मोदी के आभारी हैं जिनके मार्गदर्शन में इतना काम हुआ। सीएम योगी का दावा, यूपी में सुरक्षा और सुशासन के काम में देश में राज्य के प्रति नजरियों को बदला। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा प्रदेश के तौर पर थी प्रदेश की पहचान। हर चौथे दिन होता दंगा, लेकिन पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम होने से व्यापार में सुगमता को लेकर नंबर 2 पहुंचा यूपी, पहले 14वें स्थान पर था। सीएम योगी का दावा, 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 पायदान पर। सीएम योगी ने कहा, यूपी में माफिया राज पर कसा शिकंजा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। 4.5 साल के योगी राज में 150 अपराधी मुठभेड़ में हुए ढेर, करीब 12,000 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी। सीएम योगी ने 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ करने का किया दावा। सीएम योगी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य के जारी रहने का दिया हवाला। सीएम योगी का दावा, 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश दुनिया में यूपी की छवि सुधारने में मदद की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर दी बधाई, इसे विकास और विश्वास के 4.5 साल बताया। कहा, जनता के विश्वास पर खरी उतरी सरकार। अखिलेश यादव ने यूपी में फिर 400 सीटें जीतने का किया दावा। कहा, 2022 में बनने जा रही है हमारी सरकार। 21 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे ओवैसी, साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद से करेंगे मुलाकात। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। असम से सबनन सोनोवाल और मध्य प्रदेश से एल मुर्गन होंगे बीजेपी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बयान, पंजाब में खुदकुशी के लिए तैयार है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी तो सुसाइड मिशन पर है, वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। उन्हें
वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा, ये पंजाब का बच्चा बच्चा आप समझ गया है। रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी, बीजेपी सरकार पर किया हमला, कहा 2022 के चुनाव से तय होगा दिल्ली की सल्तनत पर किसका राज रहेगा। हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अखिल बार उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी कहते हैं 400 सीट, मेरा कुछ जिला ढूंढना बाकी है, 352 तक मैं पहुंच चुका हूं। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल। टीएमसी में शामिल होने के बाद आज मीडिया से बात करेंगे बाबुल सुप्रियो, दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा कटौती अब जेड के बजाय वाई कैटेगरी। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो के बदले सुर, ममता के नाम से पढ़े कसीदे। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, पार्टी को ज्वाइन किया है, दीदी के साथ बात हुई, अभिषेक के साथ इतना समय हमने बिताया, जो हमें पार्टी कहेगी आगे के दिनों में हम वही करेंगे। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने को शुभेंदु अधिकारी ने धोखा करार दिया, कहा टीएमसी से जुड़ने से पहले बीजेपी को देना चाहिए था जानकारी, छोड़ना था बीजेपी सदस्यता और सांसद का पद। शुभेंदु अधिकारी ने कहा मंत्री पद के लिए बाबुल ने बीजेपी छोड़ी, वो ना तो मास लीडर है और ना ही गुड ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने काउंटिंग एजेंट को 12 बजे के बाद काउंटिंग हॉल में भी नहीं रोक सके। एक रिलेशन भी बन गया, मालूम नहीं था 15/12/1970, सेम डेट सेम मंथ सेम ईयर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन बीजेपी के कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार के वैशाली में 14 साल की नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद हत्या, जनता में आक्रोश, बड़ी संख्या में लोगों ने पीड़ित परिजनों के लिए न्याय की गुहार की, निकाला कैंडल मार्च। वैशाली रेप और हत्या के केस में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, एसपी ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का किया दावा। चिराग पासवान ने उठाया नाबालिग की रेप और हत्या का मुद्दा, कहा सीबीआई जांच की मांग हो। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए यहाँ पर, आकर यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिले और उनको इस बात का विश्वास दिलाएं कि समय सीमा के अंदर टाइम बाउंड इसकी जांच होगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। देश में पिछले 24 घंटे में 30,773 नए कोरोना मरीज सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 309 लोगों की गई जान। राजस्थान में 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे प्रदीप और नीरज का तबादला सूची में नाम नहीं, 2 दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों पर दर्ज किया था मुकदमा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में शांति स्थापना के लिए निकाली साइकिल रैली, दिखे भारी सुरक्षा इंतजाम। सहरसा में बोले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एन सिंह, धर्मांतरण की रोकथाम के लिए बने व्यापक कानून।